उत्तराखंड के टिहरी जिले में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने लगे हैं। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देवलाधर के 8 छात्र और एक शिक्षक कोरोना संक्रमित मिले हैं। कोरोना संक्रमित छात्रों और शिक्षक को छात्रावास के अलग अलग कमरों में आइसोलेट किया गया है। आपको बता दें कि संक्रमित छात्रों और शिक्षक की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। वहीं पिछले 2 दिनों में जिले के अलग अलग क्षेत्रों में 14 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग को राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देवलधार में अध्ययनरत छात्रों की तबीयत खराब होने की शिकायत मिली थी। वहीं विद्यालय में बच्चों और शिक्षकों सहित 190 के सैंपल लिए गए। रिपोर्ट आने के बाद 8 बच्चे और एक शिक्षक पॉजिटिव पाए गए। आज MOIC PSC सपोर्ट द्वारा मुझे ये जानकारी दी गई कि उनकी टीम नवोदय विद्यालय देवलधार में गई थी, जहाँ पर टोटल उन्होंने 190 सैंपल दिए, जिसमें से 8 बच्चे और एक टीचर पॉजिटिव आए हैं और उनमें हल्के फुल्के सिम्टम हैं खांसी बुखार के, और उनको दवाई देकर उनके होम आइसोलेशन करा दिया।